अरे मीनू, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब मीनू अपने आमों को देखती है तो सचमुच उसके आम सड़े हुए थे। बहुत समय पहले एक घने जंगल में मीनू चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। मीनू के पिता कालू का एक आम का बगीचा था। वो अपने बगीचे के आम नदी किनारे के बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन कालू कौवा अपने बगीचे में काम कर रहा था। तेज धूप के कारण कालू कौवा बेहोश हो जाता है। बहुत देर के बाद जब कालू कौवा घर नहीं आता, तब मीनू चिड़िया की माँ पिंकी चिड़िया बगीचे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि कालू गिरा पड़ा है। पिंकी चिड़िया उसे उठाने लगती है। मीनू के पापा उठिए, क्या हुआ आपको, चलिए घर। लेकिन कालू कौवा नहीं उठता। ये देखकर पिंकी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया, अब हम लोगों को कौन देखेगा। उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहां आ जाते हैं। तब गोरी कौवी पिंकी चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, पिंकी बहन, अब जो होना था हो गया, अब कालू कौवा आने वाला नहीं। संभालो अपने आप को, अब तुम्हें ही अपना घर देखना है। हम लोगों से बनेगा वो हम लोग करेंगे। किसी तरह पिंकी चिड़िया अपने आप को संभालती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब पिंकी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और मीनू चिड़िया आम को बेचने जाती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम, आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम। ऐसा कह कर वो अपने आम बेच रही थी, तभी वहाँ सोनू चिड़िया आता है। अरे मीनू चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है, जरा ये आम मुझे भी देना। ये लो, ये बहुत ही सस्ते हैं, बस इसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं, मूंगफली ही है, मूंगफली लेकर तू मुझे आम दे दे। सोनू चिड़िया आम लेकर मूंगफली देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह मीनू रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है। वो पास में आम बेच रही चील से कहती है, चील बहन, जरा आप मेरे आम को देखती रहिएगा, मैं अभी पानी पीकर आ रही हूँ। ठीक है तू जा, पर जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कह कर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद चील सोचने लगती है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आमों को चुरा लूं और इसमें सड़े हुए आम रख दूं। मीनू को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह चील मीनू के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम बदल देती है। मीनू पानी पीकर आती है और अपने आमों को बेचने लगती है। जब मीनू के आम ग्राहक खाते हैं तो थू थू करने लगते हैं। अरे मीनू, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब मीनू अपने आमों को देखती है तो सचमुच उसके आम सड़े हुए थे। वो चील से कहती है, चील बहन, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे, इतनी जल्दी ये सड़ कैसे गए? मुझसे क्यों पूछ रही है, मुझे क्या पता तेरे आम कैसे थे, आगे से मैं तेरे आम नहीं देखूंगी। चील बहन, आप नाराज क्यों होती हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। चील किसी न किसी बहाने मीनू के सारे आम बदल देती थी। मैं पक्के आम बगीचे से लाती हूँ और यहाँ ये सड़ जाते हैं, ये चील ही मेरे आमों को बदल देती है। एक दिन मीनू चील को रंगे हाथों पकड़ने की सोचती है। वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है।
और छिपकर चील की हरकत को देखने लगती है। जैसे ही वो मीनू के आम बदलने लगती है, मीनू चिल्लाने लगती है, चील बहन, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। रोज रोज तुम मेरे आमों से अपने सड़े आमों को बदल देती थी, क्यों कर रही थी मुझ गरीब के साथ ऐसा? तब चील उसे डांटने लगती है। मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, नहीं तो मैं अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगी, फिर तू आम बेचने के काबिल भी नहीं रहेगी। उन दोनों के बीच हो रहे तूतू मैमे को सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। तब मीनू उन्हें चील की करतूत के बारे में बताती है। मीनू की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर चील की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से चील फिर उस बाजार में दिखाई नहीं देती। अब मीनू चिड़िया खुशी खुशी अपने आम को बेचने लगी और उसे जो पैसे मिलते उनसे वो अपनी माँ और अपने घर का खर्च चलाने लगी। पहले की बात है, चंपकवन जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके माँ बाप उससे बहुत नफरत किया करते थे क्योंकि वो काली थी। एक सुबह, पिंकी तू सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, बिल्कुल चुड़ैल लगती है, कमबख्त पूरा दिन मेरा खराब कर देती है। माँ, मुझे चोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं किचन में आई हूँ। चल भाग यहाँ से अपने घोंसले में, जिस खाने पर तेरी नजर जाएगी वो सब राख हो जाएगा। जब सभी लोग खा लेंगे तब मैं तुझे बुला लूंगी। माँ, तुम मुझे इतना डांटती रहती हो और लाड़ो को तो बहुत प्यार करती हो। खबरदार, अगर तूने लाड़ो की बराबरी की तो वो देख परी जैसी सुंदर है, और तू तो बिल्कुल कोयले जैसी काली है, तुझे देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनकर पिंकी उदास मन से अपने घोंसले में चली जाती है। जब सभी परिवार के पक्षी खाना खा लेते हैं तब उसकी माँ उसे बुलाती है। अरे कर्मजली, आकर खाना खा ले, उसके बाद सारे बर्तन धो देना। अच्छा ठीक है माँ। जब पिंकी खाना खाने आती है, ये क्या माँ, ये तो सूखी रोटी है, इसके साथ तो सब्जी भी नहीं है। यही बचा है खाने को, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो भूखी मर। किसी तरह पिंकी सूखी रोटी खाती है। एक दिन पिंकी के पिता जंगल में काम पर जा रहे होते हैं, तब पिंकी आकर अपने पिता से कहती है, पापा मेरी सैंडल टूट गई है, मेरे लिए नई सैंडल ला दो ना। अरे भाग्यमान, कहाँ हो तुम, जल्दी हटाओ इस काली लड़की को मेरे आँखों के सामने से। सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, अब पता नहीं मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा। अरे कर्मजली, तुझे कितनी बार कहा सुबह सुबह अपने घोंसले से मत निकला कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ये घर छोड़कर चली जा रही हूँ। हाँ हाँ चली जा, तेरे चले जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम तुझसे पीछा तो छूट जाएगा। माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, तुम इस तरह मेरे साथ क्यों बर्ताव कर रही हो? देखना तुम्हें एक दिन इसी बेटी पर गर्व होगा। इतना कहकर पिंकी घर छोड़कर चली जाती है। पिंकी भटकती भटकती पास के एक जंगल में पहुंचती है। धूप के कारण उसके नंगे पैर में छाले पड़ जाते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, अच्छा होता मैं मर ही जाती। अब मैं कभी भी अपने घर नहीं जाऊंगी। तभी पिंकी की रोने की आवाज सुनकर वहाँ एक जादूगरनी प्रकट होती है। जब वो पिंकी को जंगल में अकेला देखती है तो वो उससे पूछती है, बेटी तुम इस घने जंगल में बैठी क्यों रो रही हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जादूगरनी, ये देखो मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मेरे मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते,
इसलिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। ये सब मेरे काले रंग से नफरत करते हैं। बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास जादुई शक्ति है। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें सुंदर बना सकती हूँ। फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से पिंकी को सुंदर बना देती है। फिर वो अपने घर आती है। घर आने के बाद, अरे तुम कौन हो, किससे मिलना है तुम्हें? माँ तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं पिंकी हूँ। तू झूठ बोल रही है, तू पिंकी तो हो ही नहीं सकती, पिंकी तो बहुत काली है। माँ मुझे दूसरे जंगल में एक जादूगरनी मिली थी और उस जादूगरनी ने मुझे अपनी जादुई शक्तियों से सुंदर बना दिया। फिर पिंकी खुशी खुशी रहने लगती है। तोता और कालू कौवा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, वे हमेशा ही एक साथ रहते थे।